दोस्तों अभी तो हम लोग टोल टैक्स में खड़े हैं और ये देखिए टोल टैक्स में तो ज्यादा जाम लग गया है। अभी दोस्तों हम लोग के पास कॉल आया था ट्रांसपोर्टर का जो हमारा गाड़ी लोड किया है सिलीगुड़ी वाला, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब कैसे भी करके कल पहुंच जाओ। बताइए यार, 1000 किलोमीटर है यहाँ से, हो पाएगा? वो तो वो लोग घर में बैठे बैठे कुछ भी बोल देता है, उन लोग को बोलने से नहीं चलता है। उसके चलते हम लोग क्या बताए दिए कि घर का जाना उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं और अभी हम लोग पहुँचने वाले राहुल किला। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों हम लोग उड़ीसा बॉर्डर पर सो गए थे रात में, फिर वहाँ सुबह चले, करीब 5 बजे चले वहाँ से, तो अभी हम लोग पहुँच गए संबलपुर, अभी 11 बजने को अभी, और संबलपुर से ही हम लोग कटने वाले फिर लेफ्ट साइड, सीधा रोड तो कलकत्ता हाईवे रोड हो जाता है, 6 नंबर हाईवे रोड हो गया ये, अब हम लोग संबलपुर के लिए कटने वाले हैं यहाँ से। तो दोस्तों हम लोग अब 6 नंबर रोड छोड़ने वाले हैं, अब यहाँ से हम लोग राहुल किला के लिए कट जाएंगे, राहुल किला खुट्टी वाला रोड अपना पकड़ लेंगे। झारसुगड़ा में अगर झारसुगड़ा यहाँ से 50 किलोमीटर है, झारसुगड़ा में वही रायगढ़ रोड झारसुगड़ा में ही आके मिलता है, लेकिन रायगढ़ में थोड़ा नो एंट्री का भी लफड़ा रहता था और थोड़ा जाम जुम भी लगता था, और इस बार क्या है कि पार्टी का भी थोड़ा सा बोधरेशन है कि जल्दी खाली करने का, इसीलिए कि हम भी चाह रहे गाड़ी कहीं, क्या कि मेरा 2 दिन ऐसे ही बर्बाद हो चुका है, एक दिन नागपुर में हो गया, एक दिन तो दोस्तों हमारा वहाँ ही बर्बाद हो गया था चिकाबालापुर में जो बेंगलोर से निकले थे भर के, तो 2 दिन हमारा ऐसे ही बर्बाद हो गया है। तो हम भी अभी घर भी हमारा रुकने जो प्रोग्राम है वो हो सकता है कि काटना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि जामदड़ा और रामगढ़ दोनों मिलने वाला था, दोनों में से एक को किसी को लेंगे वो भी लगता है दिन भर ही लेंगे, रामगढ़ वाला मेन रोड पर आता है और जामदड़ा थोड़ा अंदर रह जाता है, तो हम सोच रहे हैं कि जामदड़ा वापसी में मिलेंगे। दोस्तों अभी तो हम लोग टोल टैक्स में खड़े हैं और ये देखिए टोल टैक्स में तो ज़्यादा जाम लग गया है, अभी टाइम लगेगा, यहाँ केस वाला सिस्टम है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ। अभी भी यहाँ से मतलब झारखंड का बॉर्डर करीब 200 किलोमीटर के आसपास है, तो आज हम लोग शायद शाम तक पहुँच जाए झारखंड, वहीं पर रुक जाएंगे, और रामगढ़ का तो प्लानिंग अभी थोड़ा कैंसिल ही लग रहा है लगभग। वो जो पार्टी है वो बता रहे थे कि जैसे अभी त्यौहार भी आने वाला है तो थोड़ा उनका स्टाफ लोग भी छुट्टी ले लेगा, इसलिए माल को थोड़ा जल्दी स्टॉक में रखना चाह रहे थे, इसलिए बोल रहे थोड़ा जल्दी जल्दी आओ। तो चलिए कोई बात नहीं, अब माल लोड किए तो हम जल्दी पहले ये पहुँचा देंगे, उसके बाद होली में हम लोग घर में रुक जाएंगे, उधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों अभी करीब दोपहर के 2 बजने वाले हैं और अभी हम लोग थोड़ा रुके हुए हैं, यहाँ पे एक होटल दिख रहा है तो खाना यहीं खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे निकलेंगे। अभी दोस्तों हम लोग के पास कॉल आया था ट्रांसपोर्टर का जो हमारा गाड़ी लोड किया है सिलीगुड़ी वाला, तो वो बोल रहे हैं कि मतलब कैसे भी करके कल पहुँच जाओ। बताइए यार, 1000 किलोमीटर है यहाँ से, हो पाएगा? वो तो वो लोग घर में बैठे बैठे कुछ भी बोल देता है, उन लोग को बोलने से नहीं चलता है, वो तो चाहता है कि मतलब आज लोड करो कल खाली कर दो। सफर में तो हम लोग को रहना है, कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, कैसे देखना है, हर चीज़ देख कर चलना है। चलते हैं अभी खाना ना खाते हैं यहाँ। दोस्तों अभी खाना तो हम लोग ऑर्डर कर लिए, तो यही रोटी और ये साथ में सब्जी था और दाल भी है, तो यही आज का हमारा खाना होगा। यहाँ पर भी थाली सिस्टम था, एक थाली में पूरा ये वैरायटी आता है, तो चलो थाली बोल देते क्योंकि इसमें कई प्रकार का सब्जी खाने को मिल जाता है, अलग अलग टेस्ट मिल जाता है, ऐसे तो अलग से भी ले सकते हैं सब्जी, तो हम लोग को थोड़ा सा आदत लग गया कि चलो कई किस्म का सब्जी मिल रहा है, चलिए ट्राई करते हैं। ये आलू गोभी गाजर मिक्स है, बढ़िया टेस्ट है। और यहाँ पे दोस्तों लाल साग भी मिल गया, पापा को खाने का मन था, ये भी हो गया ना। लाल साग तो मिला ही है और साथ में चोखा भी मिला, आलू का चोखा, करेला का भुजिया। दोस्तों अभी हमारा खाना तो हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं और ठंडा पानी बोतल भी ले लिया है, अभी बहुत ज्यादा प्यास लगता है इसलिए हम लोग बोतल भी ले लेते हैं एक्स्ट्रा हमेशा। अब चलिए चलते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है हम लोग के साथ भी कि किसी कंपनी में अगर माल कम है या अभी बहुत ज्यादा अर्जेंट है, किसी को देना है, तो फिर ड्राइवर ऊपर प्रेशर आ जाता है, जल्दी आओ जल्दी आओ, तो हम लोग को नहाना धोना खाना सब छोड़ना पड़ जाता है कि चलो भाई। और कभी कभी क्या है कि पार्टी भी कॉल नहीं करता है तो हम लोग निश्चित रहते हैं, अपना आराम से जाते रहते हैं, तो आज भी हमारे साथ वैसे ही हो रहा है। कॉल तो आ गया मेरे पास, बेंगलोर से भी आ गया, सिलीगुड़ी से भी आ गया, भैया कहाँ हो, कब पहुँच रहे हो, हमको भैया है तो रास्ते में ही हम लोग हैं आ रहे करके उनको बता दिए हैं। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं राहुल किला यहाँ से कम अभी 50 किलोमीटर है, तो अभी हमको सुनने मारा कि बेद चौक जहाँ से मुड़ते थे हम लोग वहाँ मेला लगा हुआ है, तो वहाँ मेला लगा हुआ है तो
अभी फिर हम बीच वाला रास्ता सही जाने वाले हैं और निकल जाएंगे। अगले बार तो खैर कोई दिक्कत नहीं हुआ था, आ ही गए थे, और इस बार भी उधर से ही जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। कभी कभी होता है कुछ दक्षिणा देना पड़ जाता है, तो अगले बार नहीं मिला था, इस बार देखते हैं क्या होता है। दोस्तों ये देखिए, यहाँ से राहुल किला रोड छोड़ दे रहे हैं, ये राहुल किला रोड चला गया 4 लाइन, अब यहाँ से मुड़ते हैं लेफ्ट साइड, अब यही हमारा शॉर्ट रास्ता बन गया रांची जाने के लिए। लेकिन यही है कि सिंगल रोड पड़ेगा ये हमको, मतलब ये नहीं पड़ेगा कि डबल है 4 लाइन, ऐसा कुछ नहीं है, ये बीच से एक शॉर्टकट रास्ता है। आगे से देखिए गाड़ी आ रहा है, इसको हम रोक कर थोड़ा पूछेंगे भी, ये बताएगा कोई दिक्कत नहीं है कि क्या। अभी हम इससे बात करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं ना उस्ताद, कोई है क्या? कोई नहीं है, कोई नहीं है ना, निकल सकता आराम से, चलो ठीक है। वो भी देखिए हमको बता दिया कोई दिक्कत नहीं, आराम जा रहे हैं। ये रोड अभी भी ऐसे भी सुने कि उधर तो मेला लगा हुआ है, उस लेकर तो खैर बहुत सा गाड़ी इधर से ही जाना आना जाना हो रहा है। दोस्तों ये रोड जो है मतलब मेन रोड हाईवे रोड नहीं है, ये गाँव वाला के लिए रास्ता भी है, चौड़ा भी कर दिया गाड़ी वाला के लिए, तो आराम आराम से ही चलना है, क्योंकि इस रोड पर जानवर भी आ सकता है, कुछ भी मतलब कोई बच्चा भी आ सकता है, क्योंकि अगल बगल थोड़ा गांव भी है, तो थोड़ा आराम से ही चलना। कोई भी नया रोड रहे तो उसमें आराम चलना चाहिए कि हमेशा आदमी चलता रहे। लापरवाही से कुछ हो जाता है तो मालूम चलेगा नो एंट्री लगा दिया, इस रोड पे गाड़ी नहीं जाएगा, तो थोड़ा इसीलिए नया नया रोड ऐसा मिलता है और हम लोग को फायदा मिलता है कि थोड़ा नज़दीक हो जाता है सफ़र, तो उसमें थोड़ा आराम से निकल जाओ, फिर तो मेन रोड में अपना अपना चाल तो है ही, अलग बात है वो। तो देखिए अभी जा रहे हैं हम लोग, जंगल वगैरह भी देख रहे हैं, जाइए 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 जाइए, बाइक साइड कर लीजिए थोड़ा। जाइए जाइए ठीक। दोस्तों अभी लोग मेन रोड आ चुके हैं, जो सिमडेगा राहुल किला वाला है वो रोड पे आ गए हैं। तो यहाँ से क्या ना कि अपना सिमडेगा मात्र 10-12 किलोमीटर है, तो जा रहे हम चाय पीने के लिए इस रोड पर। उस रोड पर तो कुछ मिलता भी नहीं है जो अंदर रोड से आए, और वो रोड हमको 35 किलोमीटर पड़ा, 35 किलोमीटर में हम इधर आ चुके हैं। तो बहुत ही अच्छा सफ़र है, अंदर आ गए, इस बार हमको कोई नहीं लगा, नहीं मिला कोई हमको, इस समय में निकल गए। कभी कभी आता है कोई, कोई बोलता है कि पैसा लगता है कुछ ना कुछ, तो अभी तो 2 चक्कर से हम गए तो हमको कोई मिला नहीं अभी, तो शाम का टाइम है तो शीशा वगैरह देखिए सागर साफ कर ले रहा है, और आ रहे हम चाय पी करके फिर यहाँ से निकलते हैं सीधा रांची। अभी यहाँ से कम 150 किलोमीटर और बचा हुआ है। दोस्तों अभी करीब शाम के 7 बज चुके हैं और हम लोग मतलब झारखंड आ चुके हैं। झारखंड तो 1 घंटा पहले ही आ गए थे, यहाँ पे क्या कि बॉर्डर उडर कुछ है नहीं, तो कब हम लोग झारखंड इन कर जाते हैं पता भी नहीं चलता है, बस एक ब्रिज है वो क्रॉस किया और हम लोग झारखंड में आ गए। अभी हम लोग कोलोवीरा पार कर रहे हैं, तो अभी भी पूरा जंगली है, तो ये रोड में दोस्तों अभी थोड़ा जंगली आता है, अभी 4 लाइन सीधा अब हम लोग को रांची में ही मिलेगा। तो अब तो झारखंड आ ही गए हैं और 100 किलोमीटर बस बचा हुआ है रांची का, और देखते हैं हम लोग रांची तो आज पहुंच ही जाएंगे लगभग। दोस्तों अभी क्या है कि रास्ते में थोड़ा घाटी भी पड़ता है, तो अभी हम लोग घाटी उतर रहे हैं, तो करीब 20 किलोमीटर के आसपास का ये घाटी है, तो इसके बाद फिर रोड पूरा थोड़ा सही भी हो जाएगा। दोस्तों अभी रात का 10 बज चुका है और वो रांची आ गए हैं, देख सकते हैं 4 लाइन आ गया है, अब रांची लाइन पर हम लोग चढ़ चुके हैं, अब रांची का बाईपास घूम के हम लोग रामगढ़ जाने वाले हैं। और सुबह से हमारा सफर जो आज का जो है करीब 480 किलोमीटर हो गया है, तो अभी भी चलाएंगे 50 किलोमीटर और चलाएंगे, रामगढ़ रोड तो जाना ही पड़ेगा, तो मतलब 500 से पार हो जाएगा। तो बता रहे कभी कभी ऐसा बोलते हैं होंडे से हम लोग गाड़ी चलाना पड़ता है हम लोग को, तो जा रहे कहीं होटल पर रुकेंगे, उसके बाद सुबह अपना घर पर रहेंगे। दोस्तों अभी रात का 1 बज चुका है, हम लोग आ चुके हैं और मांझी मतलब टोल टैक्स है, टोल टैक्स पार करके यहाँ पर खड़ा है, तो यहीं पर अभी 2-4 घंटा सो लेंगे, फिर यहाँ से सुबह अपना घाट ढूल करके फिर रामगढ़ जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, जा रहे अभी सोने के लिए। दोस्तों अभी करीब सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग उठ गए हैं और घर जाने के लिए तैयार भी हो गए हैं, बस थोड़ा ही दूर है घर, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए हम लोग रात भर में थोड़ा ज्यादा ही गाड़ी खींच ली है, ताकि आज हम लोग दिन भर रुकेंगे घर में, जाएंगे दिन भर रुकेंगे और शाम में करीब 4-5 बजे के आसपास निकल जाएंगे, फिर रात में चला लेंगे गाड़ी, हमारा समय भी खराब नहीं होगा और घर में एक दिन रुक भी जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा कभी कभी हो ही जाता है। तो अब निकल रहे घर के लिए, तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में दोस्तों आपको घर का भी काम दिखा देंगे अपना कितना हो गया, बाउंड्री का भी काम हो रहा था, वो सब भी सब कुछ दिखा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, बस अब हम लोग निकल रहे हैं। अब दोस्तों अभी निकल रहे घर के लिए हम लोग, और इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं, क्योंकि एडिट भी करना पड़ता है ना, तो उसमें समय लग जाता है, ये भी नहाना धोना भी और घर का काम भी देखना है, और थोड़ा बहुत अपना जो काम है वो भी देखना है। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा हमारे यहाँ का आगे का सफर का, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।